वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैचलेस मुलान नाम की मूवी के बारे में, जो कि सन 2020 की मूवी है और जिसे फाइनली हिंदी में डब कर दिया गया है। मैंने उसे अभी देख के जो है खत्म किया है, तो सारी बात उसमें कवर करने वाले हैं। क्या उसे फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्या वो मुलान से बेटर है या नहीं, उसका हिंदी डब कैसा है, इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सबसे पहले अगर देखो बेसिक स्टोरी की बात की जाए, तो बेसिक स्टोरी मैं यहाँ आपको रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कहानी जो सिमिलर फॉलो करती है मुलान को ही, अगर आपने मुलान देख रखी है वो भी 20 की ही मूवी है, तो इसकी कहानी बिल्कुल सेम फॉलो करती है। यहाँ मुलान जो है अपने पिताजी के बदले जो है सेना में भर्ती हो जाती है देश की रक्षा के लिए। इनके बारे में तो ज्यादा बात ना करते हुए हम बात कर लेते हैं इसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और इसके ओवरऑल रिव्यू के बारे में। सबसे पहले देखो अगर बात की जाए इसके हिंदी डबिंग की, तो हिंदी डबिंग मुझे काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिली। बस ये है कि हिंदी डबिंग थोड़ी थोड़ी आपको ओके ओके देखने के लिए मिलती है। कुछ कैरेक्टरों की जो है आप कह सकते हो कि ऐसे ही रैंडमली यूज कर ली गई है, उनको मैच नहीं किया गया, लेकिन जो मुलान की आवाज आपको देखने के लिए मिलती है वो काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल बात करें इसके एक्शन सीन वगैरह की, तो आपको जिसमें फाइटिंग सीन देखने के लिए मिलते हैं, एक्शन या वार वाले सीन देखने के लिए मिलते हैं, वो काफी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको ब्लड वगैरह काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, वायलेंस काफी अच्छे तरीके से इसमें आप कह सकते हो प्रेजेंट किया गया है। बात करें अगर पेसिंग की, तो मूवी की पेसिंग जो है काफी फास्ट रखी गई है। अपने सुंदर 20 वाली मुलान जो देख रखी होगी तो वो 1 घंटा 55 मिनट के आसपास है और ये 1.5 घंटे की होगी, तकरीबन आधा घंटा खत्म है। तो मूवी की पेसिंग काफी ज्यादा फास्ट रखी गई है। क्लाइमेक्स के सीन के जो फाइट वाला सीन है वो काफी ज्यादा पसंद आया। और दूसरे से मेरा एक और फेवरेट सीन था वो आग वाला, जब वो आग से अटैक करते हैं कुछ अंगारे होते हैं इस टाइप का, तो वाला सीन मुझे थोड़ा सा नया देखने के लिए मिला। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके नेगेटिव पॉइंट या कंपैरिजन की बात करने लगे। अगर आपने ओरिजिनल मुलान देखी होगी तो थोड़ी फैंटेसी वर्ल्ड पे ज्यादा चली जाती है, ब्लैक मैजिक पे, तो यहाँ पे वो चीजें हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। और मुलान की और ब्लैक मैजिक वाली जो एक लड़की देखने के लिए मिलती है, जो वैम्पायर या विच होती है, उसकी फाइट वगैरह इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है। जो जंग का मेन मकसद जो होता है उसके बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये जो चीजें मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने काटने के चक्कर में, कंप्रेस करने के चक्कर में इन सारी चीजों को एक तरह से अवॉइड ही कर दिया। और दूसरा बात करें मुलान के कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया, बस नॉर्मली आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करा के कि ये मुलान है और जल्दी से उसे सेना में भर्ती करा दिया गया। मतलब वाला सीन जो है, अगर आपने मुलान देखी होगी पहली वाली, तो उसमें जो है पूरा तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, किस किस तरीके से उसके सामने प्रॉब्लम आई और वो किस तरीके से जो है आप कह सकते हो कि सेना में भर्ती हुई। मिलाकर ज्यादा प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ना निकालते हुए आपको सिर्फ मैं यही कहूंगा, अगर आप कुछ फैमिली के साथ ऐसा देखना चाहते हो जिसमें एक्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाए, अगर वायलेंस सपोर्ट करते हो तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो फैमिली के साथ। हिंदी डबिंग इसकी ठीक ठाक ओके ओके देखने के लिए मिल जाएगी और एक एवरेज वाचिंग मूवी है। अगर आपको चाइनीज या जापानीज मूवी देखना पसंद है तो मूवी अच्छी है। और उम्मीद करता हूं आपको रिव्यू सुनने में आ गया होगा। रिव्यू पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू डोना गया मैसेज हो पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते वीडियो को एंड। आप अपना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।